सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। केदारनाथ में 3 अप्रैल को वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि हेलीकॉप्टर में सवार पायलट को और को पायलट और 4 अन्य तकनीकी स्टाफ सुरक्षित हैं, लेकिन क्रैश की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में क्रैश हो गया। हेलीपैड से महज 7 मीटर पहले ही हेलीकॉप्टर धड़ाम से गिर गया। हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर गिरने की ये घटना कैमरे में कैद हो गई। दरअसल उस वक्त कोई हेलीकॉप्टर का वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने वाले शख्स ने भी नहीं सोचा था कि हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा हादसा होने वाला है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग करने लगा, अचानक एक तरफ झुककर नीचे गिर गया। ये देखकर वीडियो बनाने वाला भी घबरा गया और मौके की ओर भागा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ के लिए पहला चक्कर लगाया था। सामान छोड़कर वो वापस गुप्तकाशी लौटा। दूसरे चक्कर में सामान ले जाते वक्त हादसा हुआ। 2 दिन पहले MI ने केदारनाथ में 3 चक्कर लगाए थे। हादसों के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, ये जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि VIP हेलीपैड से 60 मीटर पहले हेलीकॉप्टर बिजली के तारों से उलझ गया और धुएं के साथ क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हवा का प्रेशर भी हेलीकॉप्टर के अनुकूल नहीं था, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। इस बीच केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद धुआं उठने लगा। हेलीकॉप्टर गिरने की तेज आवाज सुनते ही लोग मौके पर पहुंच गए। केदारनाथ हेलीपैड में MI-17 आने का इंतजार कर रहे वायुसेना के 3 कर्मचारी भी राहत बचाव करने में जुट गए। सभी के प्रयासों से हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और को पायलट और 4 अन्य तकनीकी स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक टेक्नीशियन को हल्की चोटें आई हैं, जबकि बाकी सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वीडियो देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर को कितना नुकसान पहुंचा होगा। स्पेशल डेस्क MH1 न्यूज।